शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र भाजपा द्वारा शुरू किया गया आंदोलन महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन नहीं बल्कि भाजपा बचाओ आंदोलन है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता और कार्यकर्ता कोरोना में अभूतपूर्व संकट में सरकार के साथ अथक प्रयास कर रहे हैं। भाजपा इस संकट में कहीं नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में कब, कहां और कैसे भूकंप आ जाए ये कहना कठिन है। एक और शहर में देश में कोरोना वायरस से लोगों की मौतें हो रही है तो वही दूसरी ओर भाजपा द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके द्वारा महाराष्ट्र में कोई भी ठोस काम नहीं किया जा रहा है और कोरोना इस महामारी को लेकर आघाड़ी सरकार के पास कुछ भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, या ये कहे कि ठाकरे सरकार पूरी तरह से राज्य को चलाने में नाकामयाब दिखाई दे रही है। ऐसे कितने सारे आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राज्य के अलग अलग शहरों के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। इतना ही नहीं तो राज्यपाल कोश्यारी से मिलकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी को जमींदोज करने के लिए काफी भगीरथ कोशिशें भी की जा रही है, जिससे कोरोना महामारी में कोरोना विषय कम लेकिन ठाकरे बनाम भाजपा का शाब्दिक द्वंद अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरा तीनों ने भाजपा पर तंज कसते हुए इसको सबसे गंदी राजनीति भाजपा द्वारा की जाने की और यह आंदोलन महाराष्ट्र बचाव नहीं बल्कि ये आंदोलन भाजपा बचाव का हो रहा है ऐसा तंज कसते हुए उन्होंने उल्टा भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपेक्षा करता ज्यांनी केंद्राकडून जाऊन स्वतः दिल्लीला बसून जर पॅकेज आणलं असतं तर आम्ही कौतुक केलं असतं देवेंद्र फडणवीस यांचं। ते महाराष्ट्राकडून पॅकेजची अपेक्षा करतात, त्यांनी जेवढी मदत या कोरोनाच्या संकटाकरता पाठवली ती सर्वपणे केंद्राला पाठवली, पंतप्रधानांच्या फंडला पाठवली, महाराष्ट्रातल्या मुख्यमंत्र्यांच्या फंडला ते देऊ शकले नाही। याचा अर्थ त्यांचे महाराष्ट्राशी निष्ठा नाही, त्यांची निष्ठा त्या असलेल्या केंद्राच्या त्या नेत्यांबरोबर आहे, महाराष्ट्रातल्या जनतेबरोबर निष्ठा त्यांची नाही, त्यांच्याबद्दल प्रेम नाही। आणि आता ते पुतना मावशीचं प्रेम हे दाखवत आहेत ते कोणालाही मान्य होणार नाही, या जनतेला सुद्धा मान्य होणार नाही। या सरकारमध्ये नेतृत्व अत्यंत चांगलं काम करत आहे, माननीय मुख्यमंत्री खूप चांगल्या पद्धतीनं सगळ्या व्यवस्था पाहत आहेत, स्वतः देखरेख करत आहेत। मुंबईमध्ये संकट मोठं आहे हे माहिती आहे, पण त्याला कारण काय, मुंबई किंवा इथलं प्रशासन नाही तर इथं इंटरनॅशनल एअरपोर्टचा तो परिणाम आहे, त्यामध्ये ते काळजी घेतानी दिसत आहेत। एक अत्यंत मोठी व्यवस्था ही संकटाला सामोरं जाण्याकरता त्यांनी केली, जर संकट वाढलं तर किती किती मोठी व्यवस्था असावी त्याच्यात कठीणात कठीण परिस्थितीचा सुद्धा विचार करून प्रत्येक गोष्टीची काळजी घेत आहेत। जिल्ह्याच्या पातळीला स्वतः व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व आमचे कलेक्टर असतील, आरोग्य अधिकारी असतील, पोलीस दल असेल आणि अन्य विभागाचे सर्व अधिकारी सगळे काम करतायत। आता ह्या संकटामध्ये खरं भक्कम त्यांच्या पाठीशी उभं राहायचं, काही असल अडचण काही चुकत असल समजा काही वाटलं काही सूचना करावी तर ती सूचना माननीय मुख्यमंत्री असतील नाही तर आम्ही सर्वजण असू ते ऐकण्याकरता सुद्धा तयार आहे। देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळ म्हटलं की आम्हाला सूचना करायच्या तर आम्ही ऐकण्याकरता तयार आहे। ते इथं सूचना करत नाहीत, ते राज्यपालांना सांगायला जातात की काय करावं हे राज्यपालांना सांगतात। याचा अर्थ असा की त्यांचं जे आहे त्यांनी जे संबंध जपले पाहिजे आणि त्याच्या या संकटामध्ये मदत केली पाहिजे, दुर्दैवानं तसं दिसत नाही ही वस्तुस्थिती। पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस पूरी तरह से अपनी दुश्मनी निभा रहा है, हजारों लाखों लोगों को मौत की नींद सुला रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र बचाओ के नाम पर भाजपा बनाम महाविकास आघाड़ी सरकार में अपनी श्रेष्ठता और योग्यता को लेकर तू तू मैं शुरू है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा राज्य सरकार अभी भी पूरी तरह से काम का सही मायने में नहीं कर रही है, कोई भी ऐसा निर्णय लेने में वे पूरी तरह से विफल है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, जिसके चलते आपने इसके पहले दिखाया कि किस तरह से जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया था और अब की बार पूरे राज्य में यह आंदोलन चालू है। इसके ऊपर में जब थोरा से बात की तो बालासाहेब थोरा ने यह कहा कि यह महाराष्ट्र बचाओ का आंदोलन नहीं तो यह भारतीय जनता पार्टी बचाओ का आंदोलन दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मिरे, इनबीसी।